और मुशायरा जहां तक जा रहा है, जमुआ वाले लोग, मेरे जफर हबीबी साहब जितनी मोहब्बतों से, ये मेरे छोटे भाई जिन्होंने सारे लोगों को तंग करके रख दिया था गाड़ी में, सफर में, ट्रेन में, हम लोग भी सोच रहे थे कि चलो आखिर अब जमुआ जाएं, लेकिन अगर हम जिंदगी की बड़ी गलती करते अगर आपके दियार तक नहीं आते हम, आप तमाम लोगों, अरे भाई कभी हल्ला गुल्ला वाले से अलग, कभी अच्छी बात अगर कहे जाए कही जाए तो ये दाएं बाजू और बाएं बाजू हमारे लिए भी कभी ताली आप लोग मार दिया करें। तो अब तरतीब में मुख्तसर और बहुत चंद नाम है, और जो नाम है वो वैसा ही है जैसे पहले लोग थे। और अब मैं आवाज देना चाहता हूं उत्तराखंड से, वहां की खुशबूदार हवा, वहां के जंगल, वहां के पहाड़, इन सारी चीजों के साथ जो शख्स हमारे बीच में है, जनाब कलीम वाजिद साहब को आवाज दे रहा हूं कि वो मंच तक आए उत्तराखंड। आपको मैंने ये कहा कि नाजिम मुशायरा पढ़ा लिखा नहीं, लिखा पढ़ा होता है। मेरे पास कलीम थे और बात वही है, अलीम का मतलब इल्म वाला होता है, कलीम माने कलाम करने वाला, ये दोनों हैं एक साथ। अस्सलाम वालेकुम हाजरी। वालेकुम अस्सलाम। सामने इतने अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं माशाल्लाह, अनवर फारूकी साहब, हामिद साहब, निहाल साहब, अनवर तारिक साहब और अब्दुल रहमान साहब, मिनहाज भाई। सबसे पहले शुक्रिया अदा कर दूं जिस कमेटी ने मुझे यहाँ बुलाया है, जफर हबीबी साहब का, अनीसुर रहमान साहब का और नाजिर भाई, शमीम भाई वगैरह, बहुत नाम है, अगर लूंगा तो मुशायरा ही खत्म हो जाएगा नामों में। माशाल्लाह एक मर्तबा मुझे आवाज दे दे भरपूर तालियों से ताकि मुझे लगे कि मैं मुशायरे में आया हूँ। अल्लाह ने एक बात नहीं, ये जिम्मेदारी आगे वालों की नहीं, पीछे वालों की भी। अल्लाह ने दो हाथ आपको भी दी है, थोड़ा सा इस्तेमाल आप कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा आप भी ताली बजा दीजिएगा। हाजिर कर अरे माशाल्लाह मेरी जान, यहाँ के जमुआ के लोग इतने होशियार, इतने जहीन है कि जवान होने से पहले ही जवान हो जाते हैं। चलिए हाजिर करता हूँ, साउंड वाले भाई थोड़ी सी इको लगा दीजिए इसमें। हिंदुस्तान के हवाले से चार मिसरे पढ़ूंगा, उसके बाद आपके दिलों तक पहुंचूंगा इंशाल्लाह। हाजिर करता हूँ खास तौर से जफर हबीबी साहब। अपने जो मुल्क पे कुर्बान नहीं हो सकता। देखिए हाजिर, में एक बात आपको बता दूं, अगर आप ऐसे सुनेंगे तो चार मिसरे पढ़ के बैठ जाऊंगा, आप सुनेंगे तो पूरी रात सुनाऊंगा इंशाल्लाह, पूरी तरीके से एक एक मिसरा आपके जहन तक पहुंचना चाहिए। मैं हाजिर करता हूं खासतौर से मुलाजा फरमाए। अपने जो मुल्क की, अपने जो मुल्क पे कुर्बान नहीं हो सकता। जब तक आवाज नहीं आएगी एक ही मिसरा पढ़ता रहूंगा भाई, एक ही मिसरा पढ़ता रहूंगा चाहे फजर की अजान हो जाए, एक ही मिसरा पढ़ता रहूंगा। हाजिर करता हूँ, दाएं बाएं बैठे हैं मेरे लोग तमाम, हाजिर से गुजारिश करता हूँ। अपने जो मुल्क की, अपने जो मुल्क पे कुर्बान नहीं हो सकता। अपने जो मुल्क पे कुर्बान नहीं हो सकता। मेरा दावा है वो इंसान नहीं हो सकता। मेरा दावा है वो इंसान नहीं हो सकता। जिसके सीने में मुसलमान नहीं हो सकता। वो कभी शुक्रिया हाजरीन, बहुत बहुत शुक्रिया, फिर पढ़ता हूँ खास तौर से मुलाजा फरमाए। अपने जो मुल्क की, अपने जो मुल्क पे कुर्बान नहीं हो सकता। मेरा दावा है वो इंसान नहीं हो सकता। जिसके सीने में
इंसान नहीं हो। हाजिर करता हूँ खास तौर से मुलायदा फरमाए। जहाँ जहाँ तक हजरत तशरीफ रखते हैं, एक बर्मा के हवाले से मैंने नज़्म कही है जफर हबीबी साहब, इंशाल्लाह वो भी सुना कर जाऊंगा। कुछ शेर यहाँ मेरे नौजवान बैठे हैं, माशाल्लाह आपकी नज़्म करता हूँ खास तौर से मुलायजा फरमाए। चंद शेर तारिक अनवर साहब, अब्दुल रहमान साहब, मीना साहब, खास तौर से मुलायजा फरमाए। दर्द दुनिया दर्द जाना हंस के सब सहता हूँ मैं, हंस के सब सहता हूँ मैं। दर्द दुनिया दर्द जाना हंस के सब सहता हूँ मैं, हंस के सब सहता हूँ मैं। दर्द दुनिया दर्द जाना सब सहता हूँ मैं, हंस के सब सहता हूँ मैं। जिंदगी में है उदासी फिर भी खुश रहता हूँ मैं, फिर भी खुश रहता हूँ मैं। दुनिया में बेवफा लोग भी है, माशाल्लाह दिल जले बैठे हैं। इस छोटे भाई अली वाइद का भी दिल टूटा है, इस बेवफा की नजरिए शेयर करना चाहता हूँ खास तौर से। शायर शायरी इशारों का नाम होता है, बस इशारा मेरा आप समझ ले। खास तौर से मुलायजा हाजिर करता हूँ। दर्द दुनिया दर्द जाना हंस के सब सहता हूँ मैं, हंस के सब सहता हूँ मैं। ओ बिछड़ कर जाने वाले बेवफा सुन ले जरा, बेवफा सुन ले जरा। ओ बिछड़ कर जाने वाले हैं, ओ बिछड़ कर जाने वाले बेवफा सुन ले जरा, बेवफा सुन ले जरा। आ कभी तो देख ले किस हाल में रहता हूँ मैं, किस हाल में रहता हूँ मैं। आ कभी तो देख ले किस हाल में रहता हूँ मैं, किस हाल में रहता हूँ मैं। चंद शेर और फरमाइशें भी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ताजा कलाम आपकी खिदमत में पेश किया जाए। हाजिर करता हूँ, सुने खास तौर से। जो जो नहीं तो थोड़ा सा बेदार हो जाए आप, थोड़ा सा बस और बेदार हो जाए ताकि उसी हौसले से पढ़ सकूं। हाजिर करता हूँ। जो जो नहीं तो यहाँ हर कोई पराया है, जो तो नहीं तो यहाँ है कोई पराया है, जो तो नहीं तो तू मेरी जान मेरी रूह में समाया है, तू मेरी जान मेरी रूह में समाया है। एक शेर पढ़ के जल चाहता हूँ, क्योंकि मेरी आदत नहीं कि इस तरीके से मैं पढ़ पाऊंगा, बिल्कुल आदत भी नहीं।
میں آخری شعر پیش کرتا ہوں، اس کے بعد آپ سے اجازت حاضر کرتا ہوں. جو تو نہیں تو یہاں ہر کوئی پرایا ہے، میری غزل تو میری غزل تو میرے گیت سے نمایا ہے، میری غزل تو میرے گیت سے نمایا ہے، میری غزل تو میری غزل تو میرے گیت سے نمایا ہے. تصورات میں جب سے تجھے سجایا ہے، تصورات میں جب فرمائش ہے چار مصرے عبد الرحمان بھائی، یہ آپ نے بھی کہی ہے، میں سمجھ رہا ہوں ماشاءاللہ سے، حاضر کرتا ہوں. دل پریشان ہے بھائی، دیکھ ایک بات سنیے گا، جب آپ کو آواز دینی ہے تھوڑا سلیقے سے اور زور سے آواز لگائے تاکہ میں پڑھ پاؤں اسی حوصلے سے، حاضر کرتا ہوں. دل پریشان ہے میرا تجھ کو منانے کے لیے، دل پریشان ہے میرا تجھ کو منانے کے لیے، دل پریشان ہے میرا پریشان ہے میرا تجھ کو منانے کے لیے، میں ہوں بے چین میری جان تجھے پانے کے لیے، میں ہوں بے چین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب کی سمجھ میں بہت جلدی شعر آیا ہے، بہت جلدی سے آیا ہے ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے. ایک شعر مجھے یاد آ گیا، کیونکہ اس وقت دل جو ہے میرا بڑا کمزور ہے اور جو دل کی آواز ہوتی ہے وہ زبان پر آ جاتی ہے، حاضر کرتا ہوں. ایک شعر مجھے یاد آتا ہے آپ دوستوں کے حوالے سے. دل پریشان ہے میرا تجھ کو منانے کے لیے، رب نے تجھ کو تو بنایا ہے فقط میرے لیے، رب نے تجھ کو تو رب نے تجھ کو تو بنایا ہے فقط میرے لیے، تیرے جلوے نہیں سارے زمانے کے لیے. جس شعر کے لیے میں غزل پڑھتا ہوں، آخری شعر، اس کے بعد آپ سے اجازت، خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں. دل پر ہے میرا تجھ کو منانے کے لیے، تیرے دیدار کا کوئی تو بہانہ مل جائے. اگر شعر ہوا ہو، یہ آپ نے شعر سنا بھی ہے ماشاءاللہ، بس اس پہ آپ تمام حضرات مجھے نواز دیجئے گا، اس کے بعد اجازت. جمع والوں کی بڑی محبت، بڑی عنایت کرم فرمائی. ڈاکٹر ایم ایس حسن صاحب تشریف رکھتے ہیں ڈائس پر، ان کے حوالے ملاحظہ فرمائے. دل پریشان ہے میرا تجھ کو منانے کے لیے، تیرے دیدار کا کوئی تو بہانہ مل جائے، چھت پہ آ جا تو ذرا کپڑے سکھانے کے. واہ واہ واہ، ابھی ابھی لوگ روڑکی سے بلا ہے آپ کو، اور اتنی آسانی سے نہیں جانے چاہیے. چلیے، پر میری پسند کا آپ چلیے چل کے نہیں آج کے. واہ شکریہ شکریہ. پڑھے بھائی؟ ہاں بالکل بالکل، سب کہہ رہے ہیں پڑھیے بھائی. چلیے شکریہ، بڑی محبت. ایک نظم ہے برما کے حوالے سے، اگر اجازت ہو تو تمام لوگ بتائے کہ سننا چاہتے ہیں. نیچے
बर्मा के हवाले ये सरों पे ताज की तरह जो टोपियां चमक रही है, मैं चाहता हूं कि आपके हवाले से अल्लाह इस नंग को कबूल कर ले। यहां अगर सुना गया तो तमाम हिंदुस्तान में इसको पढ़ूंगा। बर्मा में जो हालात गुजरे हैं मैंने उसमें कहने की कोशिश की है। जफर हबीब साहब एक एक मिसरे पे आप जुड़ जाए, बस हाजिर करता हूँ खास तौर से मुलाहजा फरमाए। हम साहिब ईमान है अल्लाह निगहबान। उलमा इकराम तशरीफ रखते हैं, आप ताइद होनी चाहिए आप लोगों की, आप लोगों की ताइद होनी चाहिए कि जो मैंने मिसरा पढ़ा है कि वो सच्चा है कि झूठा है। तालियों से इस्तकबाल करिए आप, हाजिर करता हूँ खास तौर। हम साहिब ईमान है अल्लाह निगहबान, अल्लाह निगहबान। हम साहिब ईमान है अल्लाह निगहबान, बर्मा के मुसलमान है बर्मा के मुसलमान, बर्मा के मुसलमान, बर्मा के मुसलमान। बंद पढ़ता हूँ, देखता हूँ कौन शख्स खामोश रहता है। अल्लाह तेरी जात पे ईमान हमारा, अल्लाह तेरी जात। अगर सच्ची बात है तो ताइद होनी चाहिए तमाम लोगों की, तमाम लोगों की ताइद होनी चाहिए। अल्लाह तेरी जात पे ईमान हमारा, उम्मत में अल्लाह तेरी जात पे ईमान हमारा, उम्मत में मोहम्मद की है कुरान हमारा, उम्मत में मोहम्मद की है कुरान हमारा, बख्शा जो मोहम्मद ने वो फरमान हमारा, बख्शा जो मोहम्मद ने वो फरमान हमारा, हम दीन पे मर जाएंगे ऐलान हमारा, हम दीन पे मर जाएंगे ऐलान। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक बार ताली बजा दे आप लोग, मेरे हौसले को आपने हौसला दिया, बड़ा शुक्रगुजार। अल्लाह तेरी जात पे ईमान हमारा, अल्लाह तेरी जात पे ईमान हमारा, उम्मत में मोहम्मद की है कुरान हमारा, बख्शा जो मोहम्मद ने वो फरमान हमारा, बख्शा जो मोहम्मद ने वो फरमान हमारा, हम दीन पे मर जाएंगे ऐलान हमारा, हम दीन पे मर जाएंगे ऐलान हमारा। शोलों पे चल रहे हैं हथेली पे लिए जा, बर्मा के मुसलमान है बर्मा के मुसलमान, बर्मा के मुसलमान। वाह, अच्छा अच्छा, तो बेदार करिए, आपका भी तो काम है मेरा भाई, थोड़ा सा हौसला बढ़ाए। हाजिर करता हूँ, एक बंद और पढ़ता हूँ खास तौर से मुलाहजा फरमाए। बर्मा के मुसलमान है बर्मा के मुसलमान, बर्मा के मुसलमान। आंखों ने वो देखे हैं कयामत के नजारे, आंखों ने वो देखे हैं कयामत के नजारे, बेवजह ज़िबा होते हैं मासूम हमारे, बेवजह ज़िबा होते हैं मासूम हमारे, बचपन में ही टूटे हैं बुढ़ापे के सहारे, बचपन में ही टूटे हैं बुढ़ापे के सहारे, आगोश में है मौत की वो चांद सितारे, आगोश में है मौत की वो चांद सितारे, मिट्टी में ही मिल जाते हैं माँ बाप के अरमान। बर्मा के मुसलमान
है बर्मा के मुसलमान, बर्मा के मुसलमान। आखिरी बात उसके बाद आपसे इजाजत, बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाल्लाह, खामोशी भी बहुत अच्छी बात है। इस नज़्म बात में खास तौर से मुलाहिज़ा फरमाएं, लाशों का कोई मोनिस गमखार नहीं है, लाशों का कोई मोनिस गमखार नहीं है, कोई भी यहाँ अपना तरफदार नहीं है, कोई भी यहाँ अपना तरफदार नहीं है, क्या कोई यहाँ साहिब किरदार नहीं है, क्या कोई यहाँ साहिब किरदार नहीं है, और अपना यहाँ कोई भी खरीदार नहीं है, और अपना यहाँ कोई भी खरीदार नहीं है, गोली के निशाने पे खड़े पे सरो सामान, बर्मा के मुसलमान, बर्मा के